वेलकम टू मेक श्योर। आज देखते हैं एक मुद्दा चल रहा है न्यूज में, पेटीएम डाटा लीक कैनल, डाटा लीक के बारे में। तो पहले पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो विजय शंकर शर्मा, उसके सीईओ भी विजय शंकर शर्मा, और पेटीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन 197 कम्युनिकेशन है। पेटीएम का इशू जो है उसे समझते हैं। एक्चुअली पेटीएम बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया था। बैन क्या किया था कि आप जो है नए यूजर्स को, न्यू यूजर्स को नहीं ले सकते हैं। मुद्दा एक्चुअली ये आया कि पेटीएम बैंक जो है डाटा लीक किया है चाइनीज कंपनी को। तो पूरा मुद्दा यही है, और इस रिपोर्ट को जो छापा है वो ब्लूमबर्ग ने छापा है। तो इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये मुद्दा है क्या, विजय शंकर से क्या इशू है, पेटीएम का क्या इशू है। इस मुद्दे को डिटेल में देखते हैं हम। यदि हम आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द सेंट्रल बैंक सेड इन इट्स स्टेटमेंट दैट द एक्शन वॉज टेकन बिकॉज इट बिलीव देयर वेयर सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न एट द पेटीएम पेमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि कुछ तो है, कुछ ऐसी गड़बड़ी देखने को मिलती है जिससे हमारा क्या करना है, सुपरविजन जरूरी है, पेटीएम के सुपरविजन जरूरी है। इसलिए नए कस्टमर को लेने के लिए आरबीआई ने बैन लगाया है कि कुछ समय तक आप, जब तक कोई अथॉरिटी इसका जांच नहीं कर ले, कोई आके जांच ना कर ले, तब तक आप किसी नए कस्टमर को नहीं ले सकते हैं, नए कस्टमर का नहीं ले सकते। अब देखिए, पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि पेटीएम में शेयर क्या क्या है, किनका किनका। देखिए एएनटी ग्रुप ये चाइनीज है, अलीबाबा का ही ग्रुप है, चाइनीज है। अलीबाबा का शेयर है 7.2%। फिर ये भी चाइनीज है। हैथवे यूएस का कंपनी है, इसका शेयर है 2.8%। विजय शंकर शर्मा जो इसके सीईओ हैं उनका शेयर है 14.67%। एलिवेशन कैपिटल का शेयर है 17.2% और सॉफ्ट बैंक का शेयर है 19.6%। सॉफ्ट बैंक जो है जापान का है। चलिए इसे आगे देखते हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया। द रिपोर्ट एडेड दैट द फ्लो ऑफ द डाटा टू सर्वर्स अब्रॉड वाज वायलेशन ऑफ इंडियाज रूल। जैसे जो फ्लो ऑफ डाटा हुआ है, इंडिया से बाहर डाटा भेजा गया है इंडिया का, तो उस डाटा को जब बाहर भेजा जाता है तो एक्चुअली वो जो इंडिया का रूल है उसका क्या वायलेशन हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया है कि बैन किया है कि आप नए कस्टमर को नहीं ले सकते हैं, नए कस्टमर का अकाउंट नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को आगे हम देखते हैं और समझ में आएगा डिटेल में कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, डाटा स्टोरेज रूल 2018 है इंडिया का। इस डाटा के अनुसार कहा गया था, द डाटा स्टोरेज रूल इन्फोर्स्ड इन 2018 मैंडेट्स दैट द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स स्टोर द इंटायर पेमेंट डाटा। पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर मतलब जो पेमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेमेंट भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो ये सब जो पेमेंट प्रोवाइडर है, पेमेंट सिस्टम का प्रोवाइडर, वो इंटायर डाटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे इन द सिस्टम लोकेटेड ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में। एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन फॉर प्रोसेसिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर का पेमेंट आता है उसका, उसे छोड़कर बाकी सभी जो इंडिया के अंदर हो रहा है पेमेंट, उसे क्या किया जाता है कि इंडिया के अंदर जो पेमेंट हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही उसका डाटा रहना चाहिए। ये डाटा स्टोरेज रूल 2018 का आता है, इसी का वायलेशन किया था पेटीएम ने, जिसके कारण उसके ऊपर क्या लगाया गया, बैन लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, द पेमेंट बैंक डिड नॉट प्लग द गैप इन द सिस्टम इवन आफ्टर रिपीटेड रिलेवेंट रेफरेंसेस बाय रेगुलेटरी। आरबीआई के द्वारा कहा गया कि बार बार रिपीटेड हमें कहा गया, उन्हें कहा गया
कि आप रेगुलेशन को फॉलो कीजिए, लेकिन वो जो रेगुलेशन का गैप है उस गैप को भरने में सक्षम नहीं हो पाए, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके इम्पैक्ट को समझिए। इम्पैक्ट हुआ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू यूजर्स। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि नए यूजर्स को पेटीएम बैंक में खाता खुलाने से मना कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इट सर्व्स वेयर फाउंड द शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद चाइना बेस्ड इंटिटीज। चाइना बेस्ड इंटिटीज को क्या किया गया, इंफॉर्मेशन शेयर किया गया इंडिया का, इनडायरेक्टली ऑन स्टेक इन द फिनटेक जायंट यूनिट ऑफ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। ये किसके अनुसार, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ पेटीएम पे, पेटीएम का जो शेयर था वो धड़ाम से नीचे गिर गया, और धड़ाम से नीचे गिर के अर्थ कितना गिरा, फॉलन मोर देन 68% टू रुपीज 680.40 फ्रॉम इट्स इशू प्राइस 2150 रुपया से डायरेक्ट गिरा कितना पे, 680.40 रुपया पे जाके इसका शेयर गिर गया है। तो ये उसको नुकसान हो गया पेटीएम को, जिस दिन आरबीआई ने बैन किया इसको कि नया कस्टमर नहीं ले सकते हैं। अब इस इशू को आगे और समझते हैं। द स्टॉक क्लोज्ड इन उस दिन जो जिस दिन बैन किया था, स्टॉक कितने पे क्लोज हुआ, 674.80 रुपया पे। द पनिशमेंट विल मेक इट टफ फॉर पेटीएम पेमेंट बैंक टू बी अपग्रेडेड टू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे एक्चुअली ये फैक्ट अभी जब जांच होगा जांच एजेंसी के द्वारा, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअली इसका इशू क्या है। इस इशू को जो अभी न्यूज में आ रहा है उस इशू को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, लिमिटिंग इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट लार्ज डिपॉजिट, ये तो ठीक है। अब इसका कारण क्या था, मेन कारण क्या था, तो कारण तो हम पहले आपको बता दिए। पहला क्या हुआ था, डाटा लीक हुआ था चाइनीज कंपनी में, इसलिए आरबीआई ने उसे बैन किया। दूसरा क्या था, दूसरा इशू था नो योर कस्टमर, केवाईसी से इशू था, डॉक्यूमेंट केवाईसी क्या डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, जिसके कारण लगा कि कुछ कंसर्न है वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का कंसर्न है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे ये जो है एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि नो योर कस्टमर मतलब केवाईसी और डाटा लीक जो है इसका कारण बना बैन होने का। लेकिन इसे अभी क्या बताया नहीं गया आरबीआई के द्वारा कि एक्चुअली क्या हुआ है। उस चीज को जब जांच हो जाएगा उसके बाद क्लियर किया जाएगा कि क्या हुआ है, उस समय इसे हम डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑन द डाटा लीक पेटीएम, देखिए पेटीएम के द्वारा कुछ स्टेटमेंट रिलीज किया गया, रिलीज क्या किया गया स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए ब्लूमबर्ग तो कहा था कि पेटीएम बैंक जो है डाटा लीक किया है चाइनीज कंपनी को, लेकिन ये जो है पेटीएम जो स्टेटमेंट दिया है, पेटीएम बैंक जो कहा है, पेटीएम बैंक कहा है नहीं, ये पूरी तरह से झूठी बात है और सेंसेशनलाइजिंग करने सेंसेशन फैलाने वाली बात है। मतलब कि ये जो बात जो कह रहा है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट एकदम पूरी तरह से क्या है, गलत बात है। तो पेटीएम का बचाव किया है पेटीएम बैंक ने अपने तरफ से कि ये जो बात कही गई है कि हमने चाइनीज बैंक को डाटा लीक किया है वो एकदम गलत बात है। तो कंपनी का जो फाउंडर है विजय शंकर शर्मा, कंपनी का सीईओ, उसने कहा है द रिस्ट्रिक्शन विल नॉट इनेबल टू ओपन अ न्यू वैलेट और सेविंग बैंक अकाउंट बट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग 6.9 करोड़ मंथली ट्रांजेक्टिंग यूजर। विजय शंकर शर्मा ने कहा कि देखो भैया, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हम नए अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं, नए वैलेट को नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास 6.9 करोड़ आदमी है, उसका जो 6.9 करोड़ यूजर है उसका सर्विस तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसे तो प्रोवाइड करते रहना है, ये आरबीआई द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो एक क्वेश्चन और उससे पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन फॉर आरबीआई एक्शन, आरबीआई रीजन आखिर रीजन क्या है कि आरबीआई आपके खिलाफ एक्शन लिया। तो इट इज कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, ये क्या है, कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसे बताया नहीं जा सकता है कि आखिर रीजन क्या है, आरबीआई एक्शन लिया। ऑल आई कैन से दैट वी विल बी अपॉइंटिंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर इट आईटी प्रोसेसेस। उसने कहा कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर को हम लोग क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, और जब ये एक्सटर्नल अपॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे उसे आरबीआई जो है अप्रूवल देगा, और उस थर्ड पार्टी के द्वारा इनके जो आईटी प्रोसेस में है वो ऑडिटिंग करवाया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। द स्कोप ऑफ द ऑडिट वुड बी बेस्ड ऑन द लाइन आइटम्स दैट द आरबीआई हैज आस्क्ड टू लुक एट। आरबीआई क्या, आरबीआई क्या कर इसको देखेगा। चलिए, आई बिलीव दैट देयर आर ऑलवेज डेडलाइन फॉर एक्शन और सॉल्यूशन टू बी एक्सक्यूटेड। बोल रहा है यहाँ पे कि देखो हर चीज का अंत होता है और इस मैटर का भी डेडलाइन होगा, कोई अंत होगा, एक्शन होगा, कोई सॉल्यूशन होगा जो किया जाएगा, जो कोई सॉल्यूशन होगा जिसे हम करेंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड फॉर सबमिटिंग रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। हम जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देंगे जो निर्धारित समय है उसके पहले जो है हम रिपोर्ट को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, ये कहा गया वहां से। तो मिला जुला के ये कहा गया कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है और हर चीज का जो है एक डेडलाइन होता है, उस डेडलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, जो बोला है आरबीआई हम रिपोर्ट को सबमिट करेंगे और ऑडिटिंग करवाएंगे, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, बाहर का कोई कंपनी है, मतलब कि जिसका लिंक इससे नहीं है पेटीएम से, वो आके ऑडिट करेगा और बताएगा कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेन प्रॉब्लम। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या था, क्यों आरबीआई बैन किया है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, आरबीआई भी रिलीज इसे नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को समझिए अब कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। रिपोर्ट कह रहा है द रिपोर्ट दैट देयर इज अ डाटा लीक टू चाइनीज फर्म इज कम्प्लीटली फॉल्स। ये किसके द्वारा कहा गया, पेटीएम बैंक के द्वारा कहा गया कि डाटा लीक टू चाइनीज कंपनी, एकदम बकवास बात है, एकदम क्या है, झूठा बात है। वी आर फुल्ली कंप्लेंट विथ आरबीआई नॉर्म्स ऑन डाटा लोकलाइजेशन। हम जो है आरबीआई का नॉर्म है, जो कंडीशन है, उसी के आधार पर डाटा का लोकलाइजेशन, लोकल मतलब कि इंडिया का डाटा विद इन इंडिया रहेगा, डाटा स्टोरेज 2018 के नियम को फॉलो कर रहे हैं। नन ऑफ द 119 शेयर होल्डर्स हैज एवर आस्क्ड और वुड दे हैव गॉट एनी डाटा इफ दे हैड आस्क्ड। यदि वो डाटा मांगा भी गया है 190 शेयर होल्डर के बाद, जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है, उसके द्वारा डाटा मांगा भी गया है, तो डाटा प्रोवाइड किया गया नहीं करवाया गया है, और ऐसे तो डाटा मांगा ही नहीं गया है किसी भी शेयर होल्डर्स के द्वारा। चलिए, ऐसा क्यों कहा कि शेयर होल्डर के द्वारा डाटा मांगा ही नहीं गया है, और मांगा भी गया है तो प्रोवाइड नहीं करवाया गया। मेन इशू है कि वहां पे दो चाइना अलीबाबा ग्रुप है, अलीबाबा चाइनीज का है और चाइनीज डाटा लेने ले सकते हैं, इसीलिए वो अपना बचाव किया गया है, वहां पे बचाव किए हैं पेटीएम बैंक वाला कि हमसे कोई डाटा ही नहीं मांगा, यदि मांगा भी तो हम दिए नहीं, प्रोवाइड नहीं करवाए हैं 190 शेयर होल्डर को, 97 शेयर होल्डर को। अब क्या है, आर यू एबल टू, अब पूछा गया उनसे, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश द पेटीएम 119 कस्टमर फ्रॉम द बैंक। जो पेटीएम का है कस्टमर, वो पेटीएम पेमेंट बैंक का कस्टमर है, उसके बीच में आपको अंतर कैसे करते हैं कि उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसके बीच में मापदंड क्या है अंतर का, ये पूछा गया। विल यू एबल टू ऑन बोर्ड न्यू यूजर्स ऑन द ऐप, क्या आप न्यू यूजर्स को ऐप पे लाते हैं, इस तरह की बात उनसे पूछा गया। तो वो कहते हैं बैंक कस्टमर्स आर डिस्टिंक्ट एंड हैव डिफरेंट यूजर काउंट। बैंक कस्टमर जो हैं वो अलग हैं। द कस्टमर हु यूज द पेटीएम ऐप नीड नॉट टू बी द पेमेंट बैंक कस्टमर। वहां से कहा गया पेटीएम बैंक के द्वारा कि जो पेटीएम ऐप के कस्टमर हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो पेटीएम पेमेंट बैंक के भी कस्टमर हों, एंड कैन यूज अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ पेमेंट लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और ये भी कहा गया कि ये जरूरी नहीं है कि वो पेटीएम का ही यूज करें, वो डेबिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट है,
कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो बैंक का कस्टमर है वो ही क्या हो, पेटीएम ऐप का भी कस्टमर हो, ये कहा गया। न्यू कस्टमर कैन यूज द ऐप, जो नया कस्टमर है वो ऐप यूज करने के लिए फ्री है, ये कहा गया उनसे। द बैंक बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेटीएम, जो बैंक का बिजनेस है, जो बैंक का काम है उससे क्या है, अलग है पेटीएम ऐप का काम, ये कहा गया कि इसके बीच में ये डिफरेंस है। इन चीजों को समझिए, अब आगे समझते हैं। व्हेन द लाइसेंस वाज गिवन, जब लाइसेंस दिया गया था किसको, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया गया था, तो कहा गया था ट्रांसफर द वैलेट एंड भारत बिल पे टू द बैंक। वहां पे कहा गया था लाइसेंस देते समय कि जो है वैलेट है और भारत बिल पे है उसे बैंक को ट्रांसफर कर दीजिए आप। व्हेन केम एज ए सर्विस दैट वाज आल्सो एक्सटेंडेड थ्रू पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक, जब सर्विस की बात आती है तो एक्सटेंड किया गया इसे पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। चलिए यही मुद्दा था, अब देखिए इस पूरे मुद्दे को हम समझ गए, तो इसे शॉर्ट में समझते हैं कि मुद्दा था कि डाटा लीक कर दिया चाइनीज कंपनी को, ऐसा एक रिपोर्ट दे दिया ब्लूमबर्ग, और उसी का बचाव कौन किया, पेटीएम कंपनी किया बचाव उसका। तो ये पूरा मुद्दा था। यदि हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं आप तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू।